गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैंने मूवी जुद्दुक जी की एक्ट्रेस कायरा आडवाणी के इस लुक को रिक्रिएट किया है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इस पॉन्ड्स के मॉइस्चराइजर के हेल्प से मैं फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी। उसके बाद मैं कलबर के प्राइमर की थोड़ी सी क्वांटिटी लेके इसे मैं फेस पर अप्लाई कर लूँगी और इस तरह मैंने फेस को मॉइस्चराइज और प्राइम दोनों ही कर लिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन, जिसमें कि मेरा शेड है 128 वॉर्म न्यूट। फाउंडेशन को डॉट डॉट करके इस तरह मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी और ये गिले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इस तरह मैंने फाउंडेशन को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यूज़ करूँगी एले गर्ल की कंसीलर और कंसीलर को मैं इस तरह अपने आईज़ पे, साथ ही फेस में जहाँ भी पिगमेंटेड एरिया है वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी और सेम गिले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन और कंसीलर दोनों को ही मैंने काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब उसे सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन फिटमी का लूज पाउडर, जिसमें कि मेरा शेड 15 लाइट। इस लूज पाउडर को पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं इस तरह अपने फेस पर अप्लाई और ब्लेंड कर लूँगी। साथ ही इस लूज पाउडर की हेल्प से मैंने अपने बेस मेकअप को अच्छे से सेट कर लिया है। नेक्स्ट मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइट के आईब्रो किट का। और इस किट में से इस डार्क कलर के शेड से हल्के हाथों से मैं आईब्रोज को फिल कर लूंगी और इस तरह मैंने दोनों आईब्रोज को भी फिल कर लिया है। आईब्रोज को फिल करने के बाद अब मैं स्टार्ट करूंगी आई मेकअप, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर के ब्राउन कलर के आई शेडो का। इस आई शेडो में जो मेरा शेड है वो है 210। आई शेडो को एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैं इस तरह अपने आईज के क्रीज में अप्लाई कर लूंगी और दोनों आईज के क्रीज में मैंने इस शेड को काफ़ी अच्छे से अप्लाई और ब्लेंड कर लिया है। अब इस मॉर्फे के आई शेडो पैलेट में से इस पिंक कलर के शेड को स्मॉल ब्रश के हेल्प से मैं इस तरह अपने आईज के आईलिड में अप्लाई कर लूँगी और दोनों आईज के आईलिड में मैंने पिंक कलर के शेड को भी काफ़ी अच्छे से अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं सेम उसी पैलेट में से इस ब्लैक कलर के शेड को एक एंगल ब्रश के हेल्प से इस तरह अपने आईज के लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। दोनों आईज के लोअर लैश लाइन पर इस ब्लैक शेड को अप्लाई करने के बाद अब मैं सेम उसी ब्लैक शेड को एज ए लाइनर इस तरह अपने आईज के आईलिड में अप्लाई कर लूँगी और दोनों आईज के आईलिड में मैंने इस ब्लैक शेड को काफ़ी अच्छे से अप्लाई और स्मज कर लिया है। जैसे कि आपने पिक्चर्स में देखा, उन्होंने ना ही काजल अप्लाई किया है ना ही लाइनर, तो मैंने सेम उसी तरीके के आई मेकअप को क्रिएट कर लिया है। अब मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर के शिंगल आई शेडो का, जिसमें कि मेरा शेड 215। इस शेड से एक ब्रश के हेल्प से मैं इस तरह अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी और सेम उसी शेड से स्मॉल ब्रश के हेल्प से मैं नोज़ को भी कॉन्टोर कर लूँगी। नेक्स्ट मैं इस मेबलिन के हाइपरकल मस्करा को अच्छे से अपने आईलैशेस पर अप्लाई कर लूँगी। मस्करा अप्लाई कर लेने के बाद अब स्विस ब्यूटी के ब्लश पैलेट में से इस पीजी पिंक कलर के ब्लश को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इस तरह अपने चीक्स पर अप्लाई कर लूँगी और दोनों चीक्स पर मैंने ब्लश को भी अप्लाई कर लिया है, जो कि दिखने में काफ़ी नेचुरल लग रही है। और अब मैं सेम उसी पैलेट में से इस हाइलाइटर शेड से स्मॉल ब्रश के हेल्प से अपने चीक्स को, नोज़ को और अपर लिप्स को हाईलाइट कर लूँगी और सेम हाइलाइटर से मैं आईब्रोज को भी हाईलाइट कर लूँगी। फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लेने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी लैकमे की 95 वेटलेस मूज लिपस्टिक और लिपस्टिक को भी अच्छे से मैं अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी। लिपस्टिक को अप्लाई कर लेने के बाद अब मैं अपने ज्वेलरी को भी पहन लूँगी, साथ ही बालों को भी अच्छे से सेट कर लूँगी। जीरा मेरा फाइनल लुक कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताएगा। साथ ही इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए सबके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप अपने लिए इजीली बाय कर सकते हो। आई होप गाइस ये मेकअप लुक और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो शुरू को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।